चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुई भीषण कार दुर्घटना। हादसे में राष्ट्रीय स्तर के 4 पावर लिफ्टर की मौत। सिंधु बॉर्डर के पास हुआ हादसा। कार हादसे में वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्टर सक्षम यादव और खिलाड़ी बाली गंभीर रूप से घायल। दोनों घायल खिलाड़ियों को नरेला के हरिश्चंद्र अस्पताल से दिल्ली के एम्स किया गया रेफर। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ये डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पोल से टकराने पर हुआ हादसा। कार की उड़ी छत। हादसे में मरने वाले 4 खिलाड़ियों में 3 की हरीश टिंकू सूरज के तौर पर हुई पहचान। हाफिज सईद के मामले में काम आया भारत का दबाव। चौतरफा घिरे पाकिस्तान ने ब्लैकलिस्ट किया संगठन जमात उद दावा। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने जारी किए 72 ब्लैकलिस्ट संगठनों के नाम। जमात उद दावा के साथ सहयोगी संगठन फलाए इंसानियत भी शामिल। लश्कर और जैश का भी नाम। प्रतिबंधित संगठनों को चंदा देने पर लगी रोक। चंदा देने वाले को जाना पड़ेगा 10 साल के लिए जेल। लगेगा भारी जुर्माना। संपत्ति की भी जा सकती है जब्त। गृह मंत्रालय ने लोगों से संबंधित संगठनों के साथ दूरी बरतने की दी सलाह। इस्लामाबाद पुलिस ने राजधानी में FIF का बैनर लहराने वाले लोगों के खिलाफ 3 रिपोर्ट दर्ज की। पाक गृह मंत्रालय ने जारी किए ट्विटर के सस्पेंड अकाउंट्स की लिस्ट। जमात उद दावा और फलाह इंसानियत का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड। अमेरिका के पाकिस्तान को आर्थिक सहायता रोके जाने के बाद हाफिज पर हुई कार्रवाई। हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान पर सख्त कार्रवाई तक मदद रोक के रखने का ऐलान। अमेरिकी सेनेटर रैंड पॉल पाकिस्तान को अमेरिकी मदद रोकने का ला रहे हैं बिल। सेनेटर के विधायक लाने वाले बयान का अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया स्वागत। कहा वेल डन रैंड पॉल। रावलपिंडी के लियाकत बाग में उगला हाफिज सईद ने जहर। एक कॉन्फ्रेंस में 2018 को बताया कश्मीर का साल। पाकिस्तान के सिंध में 2 पाकिस्तानी हिंदुओं की हत्या के बाद बाड़मेर में प्रदर्शन। भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लगाया पाकिस्तान पर घाटी के युवकों को गुमराह करने का आरोप। घाटी में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई। पीडीपी के प्रवक्ता रफी मोहम्मद मीर के बयान से विवाद। मारे गए आतंकियों को श्रद्धांजलि देने को ठहराया सही। चारा घोटाले में 3.5 साल की सजा मिलने के बाद लालू को कोर्ट से नहीं मिलेगी जमानत। बेल के लिए हाईकोर्ट जाएगी आरजेडी। सीबीआई के जज शिशुपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई सजा। लालू पर 5 लाख का जुर्माना भी ठोका। लालू को हजारीबाग की ओपन जेल में बतानी होगी सजा। कल आरजेडी सुप्रीमो को किया जाएगा शिफ्ट। जेल में माली का करेंगे काम। सजा का ऐलान होते ही लालू ने ट्वीट पर पीएम पर साधा निशाना। लिखा लड़ते लड़ते दे दूंगा जान, नीतीश समझाएगा। मेघालय के बाद त्रिपुरा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अम्बासा और उदयपुर में रैली। मेघालय के शिलांग में अमित शाह ने किया बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन। रैली को भी किया संबोधित। अमित शाह ने मेघालय को बीजेपी का गढ़ बनाने का किया ऐलान। अप्रैल में होने मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव। आज ग्वालियर के टिकनपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीएसएफ एकेडमी में उच्च स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। आज कर्नाटक में होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। परिवर्तन यात्रा के दौरान जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में हज हाउस को भगवा रंग से रंगे जाने को लेकर सरकार की सफाई। कहा फिर से सफेद में रंगा जा रहा है बाउंड्री वॉल। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा नगरपालिका दफ्तर को भी भगवा में रंगने का आरोप। अधिकारियों के सफाई, भगवा नहीं तिरंगे के रंगों से रंगा दफ्तर। सफाई महोत्सव की तर्ज पर गोरखपुर महोत्सव मनाएगी योगी सरकार। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक होगा आयोजन। वित्त मंत्री अरुण जेटली के सरनेम पर तंज भरा ट्वीट करने पर राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस जारी करने की सिफारिश। मुंबई के कमला मिल में आग लगने के मामले में गिरफ्तारी। आज कोर्ट में होगी आरोपी की पेशी। मोजो पब के मालिक युक्त पाठक को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के दूसरे पार्टनर की गिरफ्तारी जल्द। 3 अन्य आरोपी फरार घोषित। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वड़गांव के 7 लोगों को मिली जमानत। आज यरवदा जेल से हो सकते हैं रिहा। भीमा कोरेगांव मामले में दोनों गुटों के बीच समझौता। गोविंद महाराज की समाधि की मरम्मत का काम कल से होगा शुरू।
अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में दलित छात्र की खुदकुशी का प्रयास, जातिगत भेदभाव का आरोप लगाए जाने के बाद भीम सेना ने की तोड़फोड़। परेश धनानी बने गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता, तीन बार से विधायक हैं युवा पार्टी का नेता धनानी। शर्मिष्ठा मुखर्जी को सौंपी गई दिल्ली महिला कांग्रेस की कमान, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी फिलहाल हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर जारी है सियासी घमासान, कांग्रेस ने की एनडी गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग। एनडी गुप्ता पर लाभ के पद पर रहकर नामांकन भरने के आरोप पर आपका पलटवार, संजय सिंह बोले एनडी गुप्ता के खिलाफ सबूत है तो दिखाए अजय माकन। मध्यप्रदेश के टिकानपुर में गृहमंत्री ने देश के बेस्ट तीन पुलिस थानों को किया सम्मानित, कोयम्बटूर के आरएसपुरम थाना, हैदराबाद के पंचकुट्टा पुलिस थाना और लखनऊ के गुदम्बा पुलिस थाना को सम्मान। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घनी धुंध ने बढ़ाई मुश्किल, घंटों की देरी से चल रही है ज्यादातर ट्रेनें। वाराणसी में सरकारी अस्पताल की हालत सर्दियों में खस्ता, महिलाओं और नवजातों के लिए नहीं है हीटर ब्लोअर का इंतजाम। चंडीगढ़ के जूलॉजिकल पार्क में ठंड से जानवर भी त्रस्त, लकड़ी और प्लास्टिक शीट्स का इंतजाम, बाड़े में लगे ब्लोअर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना किया मुहाल, झुंझुनू फतेहपुर और बीकानेर में तापमान 1 से 2 डिग्री के बीच। हरियाणा के हिसार में भी पारा 2.6 डिग्री पहुंचा, कोहरे का कहर भी जारी है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, कई जगहों पर 0 से नीचे पहुंचा तापमान। बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, -7 तक पारा ने लगाया गोता। में मौसम की पहली बर्फबारी, -2 डिग्री तक गिरा पारा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कड़ाके की ठंड, तापमान ने लगाया गोता, घरों में दुबके लोग। खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।